अगर उनमें हिम्मत थी तो अमेठी से चुनाव लड़ते, यहाँ की जनता उनको जवाब देती। बिल्कुल, आपका क्या नाम है? रौनक गोस्वामी। रौनक गोस्वामी, तो क्या क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ अभी। तो क्या लग रहा है इस बार मामला? इस बार स्मृति दीदी आ रही हैं, और क्या लग रहा है? राहुल गांधी युवाओं का साथ मांग रहे हैं, आप स्मृति ईरानी के साथ हैं। मैं उनको ये चीज बताना चाहता हूँ कि महाराज खुली आंखों से सपने नहीं देखते। कॉन्फिडेंट है कि जीतेंगे इस बार? मैंने बोला ना सर, खुली आंखों से सपने नहीं देखते, इस बार स्मृति दीदी आ रही है। आपके 400 पार अखिलेश यादव बोल रहे 140 ना आने की। और लोगों के पास आऊंगा, एक आपसे आखिरी कमेंट। कल सोनिया गांधी आई थी रायबरेली में और क्या कर गई हैं लोगों से, इमोशनल अपील करके गई हैं कि अब मैं अपना बेटा आप लोगों के बीच में आप लोगों को सौंप रही हूँ सेवा करने। देखिए, इमोशनल अपील का असर कुछ नहीं है, 15 साल उन्होंने इमोशनल करके अमेठी को छला है, इसलिए यहाँ की जनता जान चुकी है। दीदी जी इस बार 6 लाख पार होंगी अमेठी से। बिल्कुल, अमेठी से 6 लाख पार जी। दीदी स्मृति ईरानी और लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सिंह। कहाँ से हैं अमित जी? अमेठी। अमेठी के हैं जी। जी, किसके साथ हैं? स्मृति दीदी के साथ। क्यों हैं इनके साथ? सर, कारण उसमें कई बन जाते हैं। जैसे कि 70 साल से हम ना जाके 15 साल ले लें, 15 साल में इन्होंने अमेठी के लिए किया क्या है? जनता को बेवकूफ समझ करके हमेशा टीका लगवा के चले जाते थे। क्या लगवा के? टीका बीजे चले जाते थे। उसके बाद में आते थे, कभी आए तो आए नहीं, पूरा पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई। पंचवर्षीय योजना खत्म, मतलब नहीं है। और दीदी जी ने जब से इलेक्शन जीती हैं, कितने चक्कर अमेठी इन्होंने मारे हैं शायद हम लोग जानते हैं, कितना मारा इन्होंने। ठीक है, आपका क्या नाम है? राम गोपाल कौशल। आपकी कितनी उम्र है? 52 साल। आपकी इनसे ज्यादा उम्र, आपने तो पूरा और देखा होगा अमेठी। काफी देखे। क्या सही बोल रहे हैं, राहुल गांधी आते थे जीतने के बाद नहीं आते? कभी भी दिखाई नहीं पड़े, कभी दिखाई नहीं। और कहते हैं और दिखाई नहीं? नहीं, कहाँ उनका परिवार कहाँ है? वो अकेले खुद कुंवर हैं, कह रहे हैं परिवार है उनका, परिवार कहाँ? ये मोदी का परिवार है, ये मोदी का परिवार। और एक चीज आपको बता दें, ये जो कालनेमी रूप में आए हैं, ये किसी भी रूप में आए कालनेमी, ये सनातन की भूमि है, सनातन की भूमि है, कालनेमी किसी भी रूप में आए, यहाँ की जनता सनातन जो है उनको माकूल जवाब देगी। एक राहुल गांधी सम्राट साइकिल के लिए जमीन ले, वो पूरा कब्जा कर लिए, अपने नाम कर लिए। सम्राट साइकिल का मैं बहुत सुन रहा हूँ, क्या मामला है? ये सम्राट साइकिल कारखाना लगा था। अच्छा। वो कारखाने को धीरे धीरे वो सारी जमीन किसानों को 200-300 रुपए 2000 रुपए में जमीन मुआवजा देकर जमीन ले ली। 200-200 रुपए? हाँ, जमीन ले लिए। उसके बाद धीरे धीरे किसी तरीके से वो जमीन राहुल गांधी ने अपने परिवार के नाम कर लिया। अब उनको ये कालनेम के रूप में एक केएल शर्मा को भेजे हैं कि अब हम जमीन हड़प कर लिए हैं, अब जाओ तुम भी हड़प लो। लेकिन अब अमेठी की जनता जाग गई है, इनको माकूल जवाब देगी और इतने भारी मतों से इनको हरा के भेजेगी, दोबारा कोई कालनेम के रूप में यहाँ अवतरित तो नहीं होने पाएगा। ये सनातन की भूमि है और सनातन की भूमि पे कोई भी कालनेम किसी भी रूप में आए वो सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? राम गोपाल कौशल। आपकी कितनी उम्र है? 52 साल। आपकी इनसे ज्यादा उम्र, आपने तो पूरा और देखा होगा अमेठी। काफी देखे। क्या सही बोल रहे हैं, राहुल गांधी आते थे जीतने के बाद नहीं आते? कभी भी दिखाई नहीं पड़े, कभी दिखाई नहीं। और कहते हैं और दिखाई नहीं? नहीं, कहाँ उनका परिवार कहाँ है? वो अकेले खुद कुंवर हैं, कह रहे हैं परिवार है उनका, परिवार कहाँ? ये मोदी का परिवार है, ये मोदी का परिवार। और एक चीज आपको बता दें, ये जो कालनेमी रूप में आए हैं, ये किसी भी रूप में आए कालनेमी, ये सनातन की भूमि है, सनातन की भूमि है, कालनेमी किसी भी रूप में आए, यहाँ की जनता सनातन जो है उनको माकूल जवाब देगी। एक राहुल गांधी सम्राट साइकिल के लिए जमीन ले, वो पूरा कब्जा कर लिए, अपने नाम कर लिए। सम्राट साइकिल का मैं बहुत सुन रहा हूँ, क्या मामला है? ये सम्राट साइकिल कारखाना लगा था। अच्छा। वो कारखाने को धीरे धीरे वो सारी जमीन किसानों को 200-300 रुपए 2000 रुपए में जमीन मुआवजा देकर जमीन ले ली। 200-200 रुपए? हाँ, जमीन ले लिए। उसके बाद धीरे धीरे किसी तरीके से वो जमीन राहुल गांधी ने अपने परिवार के नाम कर लिया। अच्छा। अब उनको ये कालनेम के रूप में एक केएल शर्मा को भेजे हैं कि अब हम जमीन हड़प कर लिए हैं, अब जाओ तुम भी हड़प लो। लेकिन अब अमेठी की जनता जाग गई है, इनको माकूल जवाब देगी और इतने भारी मतों से इनको हरा के भेजेगी, दोबारा कोई कालनेम के रूप में यहाँ अवतरित तो नहीं होने पाएगा। ये सनातन की भूमि है।
और सनातन की भूमि पे कोई भी कालनेम किसी भी रूप में आए वो सक्सेस नहीं होगा।